हेलो स्टूडेंट्स। सो यार काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द IIST एडमिशन। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इज इंटरेस्टेड इन IIST। और IIST की अगर अपन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है IIST, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले यार थोड़ा IIST के बारे में बता देता हूँ। IIST की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का बहुत ही अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है ये, रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी है। स्पेशली एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वहाँ पे, ठीक है। एंड अगर अपन बात करें IIST के स्पेशलाइजेशन की, तो जो आपको यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ में आपको जो है 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स इलेक्ट्रिकल एंड CSE देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसको जो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके अंदर इसलिए इंटरेस्टेड है बिकॉज IIST का जो इसरो के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग है, यानी कि आप जो है इसरो के इंटरव्यू देखिए, ठीक है, उसके कुछ मार्क्स क्राइटेरिया है कि आप कितने मार्क्स आने चाहिए, तो आप उतने मार्क्स ला के जो है इसरो के जो भी प्लेसमेंट सेल होती है, ठीक है, डायरेक्ट आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता, आपको सिंपल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू बेसिस पे जो है आप इसरो के अंदर जॉब पा सकते हैं अगर आप IIST UG कोर्सेज के अंदर है, ठीक है। PG कोर्सेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन UG वालों का जो प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट इसरो के अंदर होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसरो में हर कोई जॉब लेना चाहता है, इसलिए हर बच्चे की चॉइस होती है कि भैया मेरे को IIST में जाना है। और काफ़ी सारे बच्चे जो है इसमें अप्लाई भी करते हैं। अगर अपन इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यार JEE एडवांस के थ्रू आपका जो एडमिशन होता है। अगर अपन बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है, तो वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इसी वीक ऑलमोस्ट जो है 20 अगस्त के बाद में स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और जो है क्राइटेरिया सारा का सारा JEE एडवांस का रहेगा। अगर अपन इसके यार जस्ट लाइक के राउंड्स की बात करें तो जो है आप मान के चल सकते हो इसके भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड काउंसलिंग्स होती है, तो जस्ट आप जो है पर्सनलाइज काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड पिछले कुछ सालों से अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो यार टिल जो है पहले तो एटलीस्ट 13-14 राउंड तक ठीक ठाक चलता है, नॉर्मली 2 दिन का टाइम दिया जाता है। फिर जो है लास्ट में अगर सीटें नहीं बढ़ती है देन 1 से 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर पता नहीं कितने कितने राउंड चलते हैं इसके, ठीक है, 1 दिन के अंदर तकरीबन आप मान सकते हो 9-9, 10-10 राउंड हो जाते हैं। 2-2 घंटे का राउंड होता है, ठीक है, सॉरी 6-7 राउंड होते हैं इसके अंदर। जो क्या होता है बेसिकली जस्ट जो भी है पहले दो एक जस्ट लाइक पहले 10 बजे राउंड आया, आपको 12 बजे तक फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट पे करनी है, जो सीटें भरी, ठीक है। फिर से 2 बजे राउंड आएगा, ठीक है, दो घंटे बाद फिर से 3 बजे आएगा, ठीक है, फिर से 5 बजे आएगा, फिर से 7 बजे आएगा। इस प्रकार से जो है IIST के लास्ट राउंड में काउंसलिंग चलती है। अगर अपन बात करें यार IIST के कट ऑफ की, तो आपकी जो टिल JEE एडवांस में 10,000 के अंदर आप अगर आ रहे हैं देन जो है आपको एक अच्छी ब्रांच जो है IIST में देखने को मिल जाती है। यार अगर अपन बात करें IIST के अंदर जो सबसे ज़्यादा बच्चों की जो चॉइस होती है वो होती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, बिकॉज वो वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट, ओके, एंड आई एम एरोस्पेस इंजीनियर, ठीक है, तो जस्ट गोइंग फॉर मून मिशन, राइट। सो यार आपकी और भी कोई क्वारी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में जो है IIST की पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। और आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर फैमिली डूइंग वेल, एंड जस्ट JEE एडवांस में पढ़ते रहो, मचाते रहो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। IIST के जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, और अभी जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट से पहले पहले IIST के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो बेसिक क्राइटेरिया वो JEE एडवांस को रखा गया है, ठीक, थैंक यू।